नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। तो खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शिक्षक बहाली के लिए जिला परिषद परामर्श समिति को मिला अधिकार। हाई स्कूलों में 30,000 शिक्षकों की होगी बहाली। BDO CO SDM और थानेदारों की पोस्टिंग में महिलाओं को 35% आरक्षण। नीतीश का एक और बड़ा फैसला। बिहार के बालू गिट्टी के अवैध कारोबारियों पर होगी सख्त कार्रवाई। अब उनकी संपत्तियों को किया जाएगा जब्त। पटना में 10 जगहों पर बनेंगे IPT स्टैंड। अगस्त तक पूरा होगा काम। मुजफ्फरपुर में बहाली घोटाला। लोजपा सांसद वीणा देवी और उनके पति दिनेश सिंह ने खेला खेल। सिविल सर्जन ने किया खुलासा। बिहार में अब 1000 से 1200 की आबादी पर होगा एक वार्ड। नई परिसीमन रिपोर्ट तैयार करने का काम शुरू। बिहार में पंचायत चुनाव के लिए आयोग की तैयारी पूरी। बरसात के बाद फिर से की जाएगी बूथों की पहचान। अब लक्षण दिखते ही पहुंचेंगे अस्पताल। बिहार में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए सेविका सहायिका को घर घर जाने का गाइडलाइन जारी। बिहार में ब्लैक फंगस से 3 की मौत। 7 का हुआ ऑपरेशन। 9 को किया गया डिस्चार्ज। बिहार में 88,000 नियोजित शिक्षकों की नौकरी खतरे में। करीब 11,000 फोल्डर की जाँच दोबारा। मिली अंतिम मोहलत। बिहार में शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर राज्य सरकार ने अब एक और बड़ा फैसला किया है। छठे चरण के तहत राज्य के हाई स्कूलों में 30,000 शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार अब जिला परिषद परामर्श समिति को दिया गया है। पंचायत चुनाव होने तक के शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार परामर्श समिति के पास रहेगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को ही अधिसूचना जारी कर दी है। शिक्षा विभाग की तरफ से उप सचिव अरशद फिरोज ने शुक्रवार को इससे जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी। जिला परिषद के नियंत्रक में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति का प्राधिकार और अनुशासनिक प्राधिकार नियमावली के तहत परामर्श समिति के अध्यक्ष जिला परिषद के अध्यक्ष होंगे। जिला परिषद शिक्षा समिति का एक चयनित सदस्य जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सदस्य सचिव और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सदस्य होंगे। आपको बता दें कि 9 जून को बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कचहरियों के लिए परामर्श समिति का गठन किया गया है। सरकार ने पंचायत चुनाव नहीं होने की स्थिति में यह वैकल्पिक व्यवस्था की है और अब पंचायत चुनाव सम्पन्न होने तक परामर्श समिति को ही नियुक्ति से जुड़ा अधिकार दिया गया है। बिहार में अब BDO CO अनुमंडल पदाधिकारी और थानेदारों की पोस्टिंग में भी महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा। नीतीश कुमार के आदेश के बाद सरकार ने सभी संबंधित विभागों को पत्र जारी किया है। विभागों से सूची मांगी जा रही है कि इन पदों पर फिलहाल कितनी महिलाओं की पोस्टिंग की गई है। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने नीतीश कुमार के आदेश के आलोक में यह पत्र जारी किया है। विभाग के संयुक्त सचिव की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि नीतीश कुमार के साथ निश्चय पूर्व में महिलाओं को सशक्त करने का फैसला लिया गया था। इसी बाबत पिछले मार्च महीने में 7 निश्चय योजना की समीक्षा के दौरान ये तय किया गया था कि स्थानीय प्रशासन में महिलाओं को पर्याप्त स्थान दिया जाए, यानी BDO CO SDM और थानेदार जैसे पदों पर ट्रांसफर पोस्टिंग में महिलाओं को 35% प्रतिनिधित्व दिया जाए। बिहार में बालू गिट्टी के अवैध कारोबारियों पर अब सख्ती बरती जाएगी। राज्य सरकार अब इनकी संपत्तियां जब्त करने की तैयारी में है। पुलिस मुख्यालय के ADG जितेंद्र कुमार की माने तो बालू गिट्टी के अवैध खनन से बड़े पैमाने पर राजस्व की हानि हो रही है, जिसे रोकने के लिए इन कारोबारियों पर नकेल कसने की तैयारी की जा रही है। बालू और गिट्टी के ढुलाई में पकड़ी गई मशीनों या वाहनों को छुड़ाने के लिए जुर्माने की राशि वाहन के मूल्य के अनुसार तय किया जाएगा। एक महीने तक यदि जुर्माने की राशि नहीं दी गई तब वाहनों और मशीनों की नीलामी कर दी जाएगी। पुलिस मुख्यालय के ADG जितेंद्र कुमार ने बताया कि 1 अप्रैल से 31 मई तक कुल 295 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस दौरान 4,351 वाहनों को जब्त किया गया है, साथ ही 403 प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। अवैध बालू गिट्टी के धंधे पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए अब लोगों की संपत्ति जब्त करने का फैसला लिया गया है। गौरतलब है कि खान एवं भूतत्व विभाग के प्रधान सचिव हरतौज कौर ने DGP SK सिंघल को इस संबंध में पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था कि बालू खनन बंद होने के बाद भी पुलिस की मिलीभगत से अवैध रूप से बालू का खनन जारी है। हरजोत कौर के मुताबिक पटना, भोजपुर, सारण, औरंगाबाद और रोहतास जिले में अवैध रूप से बालू का खनन किया जा रहा है। बिहार में शहरी यातायात को बेहतर बनाने के उद्देश्य से पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा 9 जगहों पर इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टैंड निर्माण का काम शुरू हो चुका है। मिशन के अंतर्गत कुल 10 स्थलों पर IPT स्टैंड अगस्त महीने तक तैयार कर लिए जाएंगे।
ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, वैन, मिनी बस, सिटी बस आदि मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन की श्रेणी में आते हैं। शहर के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ने वाले अथवा शहर के एक हिस्से को परिवहन के मुख्य साधन जैसे रेलवे, बस, जहाज, हवाई जहाज, मेट्रो आदि से जोड़ने वाले वाहन मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन कहे जाते हैं। पटना शहर के विस्तार के साथ साथ बीते वर्षों में रिक्शा, ऑटो आदि की संख्या में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। अक्सर इन वाहनों के चालकों द्वारा सड़क पर यत्र तत्र वाहन रोककर यात्रियों को सवार किया जाता है और उतारा जाता है। इस तरह सड़क पर यातायात व्यवस्था बाधित होती है और इसी कारण दुर्घटना की स्थिति भी बनी रहती है। इसीलिए इन वाहनों के लिए सड़क पर एक तय स्थान सुनिश्चित करना हितकर होता है। इसी उद्देश्य से पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा पूर्व निर्धारित एबीडी में कुल 10 स्थलों पर आईपीडी स्टैंड का निर्माण किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में 780 स्वास्थ्यकर्मियों की बहाली में घोटाले को लेकर हंगामा मचा है। सिविल सर्जन ने अपने स्तर से ही इन लोगों की नियुक्ति कर ली थी। डीएम ने जांच कराई तो भारी गड़बड़ी पकड़ी गई। अब मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन कह रहे हैं, मैंने तो पार्षद दिनेश सिंह और उनकी पत्नी सांसद वीणा देवी की सिफारिश पर कई लोगों की बहाली की, फिर भी पता नहीं क्यों दिनेश सिंह ने ही नियुक्ति पर शिकायत कर दी और डीएम ने जांच कर उसे अवैध करार दे दिया। ये वही वीणा देवी है जो चिराग पासवान का साथ छोड़कर पशुपति पारस के साथ गई है। वैसे पहले समझ लीजिए कि मामला क्या है। मामला मुजफ्फरपुर में 780 स्वास्थ्यकर्मियों की संविदा पर बहाली का है। मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन के स्तर पर कोविड से निपटने और वैक्सीनेशन को सही तरीके से लागू करने के नाम पर इन कर्मचारियों की अस्थायी बहाली की गई। नियुक्ति के 20 दिन बाद मुजफ्फरपुर के डीएम ने मामले की जांच कराई। जांच में पाया गया कि नियुक्ति में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद 2 दिन पहले डीएम ने सारी नियुक्ति को रद्द करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही सिविल सर्जन के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा भी कर दी, लेकिन नियुक्ति रद्द होने के बाद बहाल किए गए कर्मचारियों ने भारी हंगामा खड़ा कर दिया है। शुक्रवार को उन्होंने जमकर हंगामा किया। इसके बाद सिविल सर्जन ने उन्हें फिर से बहाल करने का आदेश जारी कर दिया। मुजफ्फरपुर में हुए इस भर्ती घोटाले को लेकर पूरे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। बिहार के नवगठित नए नगर निकायों में जल्द वार्ड गठन का काम भी शुरू किया जाएगा। इसके लिए नवगठित नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी परिसीमन कर रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसे जिलाधिकारी के पास भेजा जाएगा। जिलाधिकारी स्तर से दावा आपत्ति निवारण के बाद रिपोर्ट नगर विकास व आवास विभाग तक आएगी, फिर विभाग स्तर से इस पर अधिसूचना जारी होगी, तब जाकर वार्ड गठन की प्रक्रिया पूरी होगी। फिलहाल नए निकायों में कार्यालय खुलने के साथ ही इस प्रक्रिया को पूरा करने का काम शुरू किया जा रहा है। इसमें नियम के अनुसार 1000 से 1200 की जनसंख्या पर एक वार्ड का सृजन किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग दिसंबर के पहले पंचायत चुनाव कराने की तैयारी में जुटा है। आयोग के लिए यह पहला अनुभव है जब उसे बाढ़ के बाद आम चुनाव कराना पड़ेगा। अभी तक पंचायत आम चुनाव बारिश के पहले मई जून में पूरा कर लिया जाता था। कोरोना महामारी के कारण निर्धारित समय पर पंचायत चुनाव नहीं कराने में इसमें 6 माह का समय मिल गया है। ऐसी स्थिति में बारिश के बाद आयोग एक बार फिर से राज्य में स्थापित किए गए बूथों की सत्यापन कराएगा। राज्य में भले ही कोरोना संक्रमितों की संख्या घट गई हो, लेकिन राज्य सरकार के निर्देश पर समाज कल्याण विभाग के निदेशालय ICDS ने सेविका सहायिका को घर घर जाने का गाइडलाइन जारी किया है, जिसमें सेविका सहायिका को निर्देश दिया गया है कि गृह भ्रमण के दौरान अगर किसी व्यक्ति में कोरोना का लक्षण दिखे तो उसे तुरंत अस्पताल तक पहुंचाने की व्यवस्था करे ताकि कोरोना संक्रमण का फैलाव नहीं हो। वहीं गर्भवती महिलाओं व बच्चों का अलग से ब्यौरा तैयार करे। वहीं निदेशक आलोक कुमार ने कहा है कि गृह भ्रमण के दौरान पहले लोगों की बातों को ठीक से सुने समझे तब अपनी राय दें। जी हां, बीते शुक्रवार को IGIMS में एक और एम्स में 2 ब्लैक फंगस के मरीजों की मौत हो गई। दोनों ही मरीज के आंख व नाक में फंगस फैल गया था। सांस की नली में भी संक्रमण का प्रभाव देखने को मिला। वहीं 24 घंटे के अंदर IGIMS में 3, एम्स में 6 और PMCH में 2 मरीज भर्ती किए गए, जबकि तीनों अस्पताल मिलाकर ब्लैक फंगस के 9 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया। इसके साथ ही IGIMS में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या 98 पहुंच गई है। इनमें से 3 पॉजिटिव व बाकी 87 मरीज कोरोना निगेटिव हैं। वहीं PMCH में 21 फंगस के मरीज भर्ती हैं। तीनों अस्पताल मिलाकर 7 मरीजों का ऑपरेशन भी किया गया है। बिहार में नियोजित शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच जोर शोर से चल रही है। निगरानी जांच के दायरे में आए
नियोजित शिक्षकों को दस्तावेज उपलब्ध कराने की सूचना शिक्षा विभाग के द्वारा बार बार दी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अभी तक करीब 88,000 शिक्षकों के प्रमाण पत्र निगरानी को नहीं भेजे गए हैं। ये दस्तावेज शिक्षा विभाग के माध्यम से भेजे जा रहे हैं। इन शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं 11,000 के करीब ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें दोबारा अपने दस्तावेज अपलोड करने होंगे। राज्य के स्कूलों में पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थानों के अंतर्गत नौकरी कर रहे नियोजित शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया संदेह के घेरे में है। ये नियोजन 2006 से 2015 तक बहाल किए गए शिक्षकों से जुड़ा है। इनकी पात्रता और नियोजन अब निगरानी के दायरे में है और इन्हें अपने प्रमाण पत्रों को अपलोड करने को कहा गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 3,10,000 शिक्षकों के फोल्डर जिला स्तर के विभाग के द्वारा निगरानी को भेजे जाने हैं, जिनमें करीब 88,000 शिक्षकों के फोल्डर अभी भी बाकी है। जिन शिक्षकों के फोल्डर भेजे जा चुके हैं उनमें करीब 11,000 शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें दोबारा अपना फोल्डर भेजना पड़ेगा। इन 11,000 शिक्षकों में से कुछ तकनीकी कारणों से, कुछ अधूरे प्रमाण पत्र के कारण यह पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। प्रमाण पत्र भेजने की यह कवायद इन्हें दोबारा करनी पड़ेगी। वहीं शिक्षा विभाग ने निगरानी जांच के दायरे में आए नियोजित शिक्षकों के दस्तावेज उपलब्ध कराने का अंतिम मौका 21 जून से 20 जुलाई तक दिया है। 20 जुलाई तक अगर ये शिक्षक अपने प्रमाण पत्रों को अपलोड नहीं करेंगे तो माना जाएगा कि उनकी नियुक्ति वैधता के संबंध में उन्हें कुछ नहीं कहना है। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।